हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का सेकंड चैप्टर एंगल्स। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कि एंगल का मतलब क्या होता है। एंगल हम लोग एल कह सकते हैं, हम लोग वी कह सकते हैं, हम लोग ए कह सकते हैं। जहाँ भी आपको कॉर्नर मिले, द कॉर्नर इज कॉल्ड एंगल। जहाँ पर दो आर्म हो और एक कॉर्नर बनता हो उसे कहा जाता है एंगल। सबसे आसान तरीका है एंगल बनाने का ये बीच वाला। मान लीजिए ये एक एंगल है जिसको मैं बोलता हूँ ए बी सी, इट इज़ अ एंगल। इसके दो आर्म है, एक है ए बी और एक है सी बी। कितने आर्म है इसके? दो आर्म। एक एंगल के अंदर दो आर्म होते हैं। इसके दो आर्म्स कौन कौन से हैं? इसका एक हाथ है ए बी, एक हाथ है सी बी। तो इसके दो आर्म्स ये है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है। इसे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी, ये बी बीच में आना चाहिए। या मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल सी बी ए, सी बी ए। या मैं इसे सिर्फ एंगल बी लिख सकता हूँ। तो ये हुआ एंगल की पहचान करना और एंगल का नाम लिखना, एंगल के आर्म्स बताना। दो आर्म्स कौन कौन से, ये इसकी नेमिंग हो गई। इसको इस तरह से नाम दिया जा सकता है। और इसके आर्म्स कौन कौन से हैं? इसके दो आर्म्स हैं, एक है ए बी और एक है सी बी। एक एंगल में इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में अब हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स में ये 6 टाइप्स जो हमने बनाई है ये होती है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ एंगल्स। आईडी समझ में आया भाई? तो टाइप ऑफ एंगल्स में ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो बनाया है इसके ऊपर दो एरो एक ही लाइन पर है। ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरा एंगल अब तक खुला ही नहीं है, वो बंद है। तो ये है जीरो डिग्री एंगल। इसे क्या कहते हैं? जीरो डिग्री एंगल। इट इज माय जीरो डिग्री एंगल। फिर जब ये खुल जाता है और ये खुलकर जब तक 90 डिग्री नहीं पहुंचता तब तक ये रहता है अक्यूट एंगल। तब तक ये क्या रहता है? अक्यूट एंगल। इसका मतलब दिस इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, फिर जब ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पहुंचता है तब इसे कहते हैं राइट एंगल। तब इसे क्या कहते हैं? राइट एंगल, मतलब के परफेक्ट 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए, जब ये 90 डिग्री के आगे चला जाता है और स्ट्रेट लाइन के पहले होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है मुझे, तो अब पहले ये स्ट्रेट लाइन के पहले है तो ये है ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद में जब ये 180 डिग्री पर जाता है, अगर ये इस तरह से 180 डिग्री पर चला जाए स्ट्रेट, देखिए मान लीजिए यहाँ पर था मेरा आर्म, तो ये दो आर्म एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसे ये 180 डिग्री का होता है और इसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। होपफुली यहाँ तक का आप सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले जीरो डिग्री एंगल, जीरो से बड़ा तो अक्यूट बना, अक्यूट से जब 90 पे आया तो राइट बड़ा, राइट से बड़ा तो ऑब्ट्यूज बना, ऑब्ट्यूज से 180 पर आया तो स्ट्रेट बना। अब जब वो स्ट्रेट से नीचे जाएगा, जब वो स्ट्रेट से नीचे जाएगा तब वो बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। तब वो क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल, मतलब अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये एरो जो है इस तरह डाउन जाएगा। और जब ये इस तरह का एरो दिखाई दे, पूरा गोल घूम के आया हुआ और वापस से इसी पोजीशन में जिस पोजीशन से शुरू हुआ था, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। इसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। तो सबसे पहले यही करना है कि इसको अच्छे से आपको लिख लेना है और समझ लेना है कि व्हाट आर दी जीरो डिग्री एंगल्स, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। सिर्फ ये समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। उसके अलावा ये है कि आपको लिखना कैसे है इनको। तो मैंने दिखाया है एक एंगल को लिखने के 3 तरीके होते हैं, स्टार्ट टू एंड और एंड टू स्टार्ट, या बीच का जो एग्जैक्ट नंबर, जो बीच का अल्फ़ाबेट है उसे लिखा जाता है बस। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका एक्सरसाइज। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस नंबर 2।
प्रैक्टिस सेट टू एंगल्स चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट और हमारे मैथमेटिक्स का सेकेंड प्रैक्टिस सेट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। अगर कोई एंगल 180 डिग्री का है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। अभी हमने देखा था राइट। अगर कोई 240 डिग्री का है तो वो क्या कहलाएगा? क्योंकि वो 180 से बड़ा हो गया तो वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। 360 मतलब पूरा, इसका मतलब कंप्लीट एंगल। और लास्ट में है 0 डिग्री तो ईजी है, वो क्या होगा? ज़ीरो एंगल। इस तरह से होगा ये। अब देखिए दिस इज 75। अब ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये कौन सा एंगल है? ये है अक्यूट एंगल। 0 डिग्री वाला कौन सा होता है? ये होता है ज़ीरो एंगल। 215 मतलब 180 से बड़ा हो गया तो ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद में 360 मतलब कंप्लीट हो गया है तो ये होगा कंप्लीट एंगल। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन तो ये क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। ठीक है। और देखिए 120 डिग्री, इसका मतलब 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, ये है ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ये भी नीचे वाला भी 180 और 90 के बीच में है तो ये भी क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। और ये लास्ट वाला देखिए विच इज 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री परफेक्ट है तो वो क्या होता है? राइट एंगल। वो क्या होता है? राइट एंगल। तो दोस्तों ये हो गया है कंप्लीट। इसके दो क्वेश्चन और बाकी है जो हम लोग करने वाले, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट। लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हमें फिगर देखकर बताना है कि कौन से टाइप का एंगल है। देखो ये 90 से छोटा है तो ये कौन सा है भाई? ये है अक्यूट। ये है अक्यूट एंगल। ये परफेक्ट 90 का है, ये मार्क बताता है तो ये है राइट एंगल। ये कौन सा है? राइट एंगल। अब ये नीचे की तरफ का मार्क है, इसका मतलब ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद में देखते हैं, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कौन सा है भाई? स्ट्रेट एंगल। ये कौन सा है? स्ट्रेट एंगल। इसके बाद में देखिए ये शायद अभी तक खुला ही नहीं है, बंद है ये, तो ये कौन सा है? ये है ज़ीरो एंगल। ये कौन सा है? ज़ीरो एंगल। और अगर इसको इस तरह से मार्क हो तो ये कौन सा होगा? कंप्लीट एंगल। ये कौन सा होगा? कंप्लीट एंगल। यही चीज़ मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपको बताई थी, लेकिन क्वेश्चन था मैंने फिर से बताया। अब वो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपको तीन तरह के एंगल्स बनाने हैं, एक अक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल और एक राइट एंगल। तो ये इस तरह से एक लाइन ले लेंगे हम, और अगर यहाँ पर मैं 60 पे मार्क करूँ, मान लो ये 60 है, 60 पे मार्क करूँ और मैं इसे इस तरह से बना लूँ तो ये मेरा बनेगा अक्यूट एंगल। अगर मैं इसको 60 पे मार्क ना करते हुए 90 पे मार्क करूँ और इसे इस तरह से बना दूँ तो ये बनेगा मेरा राइट एंगल। और 90 से ऊपर लूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ओनली, 90 से ऊपर लूँ, मान लो मैं 120 ले लेता हूँ और अब इस तरह से इसको बना लूँ तो ये होगा मेरा ऑब्ट्यूस एंगल। तो दिस इज़ माई अक्यूट एंगल, दिस इज़ राइट एंगल एंड दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। तीनों को अलग अलग बनाना है, आप इजीली बना सकते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट 2। अभी हम कंप्लीट करेंगे इसके आगे वाला प्रैक्टिस सेट, क्योंकि वो भी बहुत आसान है। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम करेंगे एंगल चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज और इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट 3। इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखो, इसके अंदर तीन अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, एक 50 डिग्री, एक 115 डिग्री, एक 80 डिग्री और एक 90 डिग्री, और कहा है कि इन्हें बाइसेक्ट कर कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस राउंडर। तो हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर दो बनाए हैं, एक 50 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का है। हर एक को करने का तरीका सेम है तो मैं ये दो करूँगा, बाकी के आपको करने हैं, देखते कैसे। इसको थोड़ा सा एक आग बनाते हैं यहाँ पर, ये राउंडर की पॉइंट को यहाँ रखूँगा मैं और यहाँ से एक आग, कंप्लीट आग बनाऊँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसे थोड़ा और बड़ा करूँगा। अब इसे चेंज नहीं करना है, ये दोनों पॉइंट से यहाँ पर जब मैं आर्क बनाऊँगा तो विदाउट चेंज किए हुए बनाना है मुझे कुछ इस तरह से। ये बन गए,
तो मुझे बीच का एक पॉइंट मिला दोस्तों, मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट से जो हमारा सेंटर है, जो हमारा कॉर्नर है, उसको मैं जोड़ दूंगा। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है ये एग्जैक्टली दो पार्ट में बाइसेक्ट हो गया। जब आप इसे चेक करेंगे तो 25-25 डिग्री के दो पार्ट बनेंगे यहाँ पर। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये एक 90 डिग्री का एंगल है, अभी हमें इसे बाइसेक्ट करना है। सेम गेम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। यहाँ पर रखूँगा मैं इसका पॉइंटर और यहाँ से इस तरह से एक आर्क बनाऊँगा। अब इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, ये मुझे चेंज नहीं करना है, अब दोनों भी आर्क इससे बनाने, एक ये और फिर यहाँ पर रख कर एक ये, बन गए दो आर्क। अब सिमिलरली यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, इन्हें जोड़ लूँगा कुछ इस तरह से, और मैं देखूँगा कि ये 45-45 डिग्री के दो अलग अलग ट्राइंगल बने हैं। इसी तरह से बाकी के भी दो आपको करने हैं। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैंडर्ड 6 कॉल्ड एंगल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।